जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नॉर्थ पुलिस ने सराय रोहिल्ला में हुए 2 लाख रुपए की लूट की घटना का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। नॉर्थ दिल्ली की सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने एक कुरियर कंपनी के कर्मचारियों से 2 लाख रुपए की लूट की घटना का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,03,900 रुपए बरामद किए हैं। नॉर्थ डीसीपी मनोज कुमार मीणा के मुताबिक 5 अगस्त की रात करीब 2:35 पर सराय रोहिल्ला थाने में एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि 3 लोगों ने एक कुरियर कंपनी के कर्मचारियों से 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंपनी के कर्मचारी शुभम से शिकायत दर्ज की। शुभम ने बताया कि वह अपने 2 साथियों के साथ कुरियर कंपनी के लिए पैसों की कलेक्शन करता है। 4 अगस्त की रात करीब 9 बजे उन्होंने 2 लाख रुपए इकट्ठा किए और ऑफिस पहुंचे। रात करीब 12:30 बजे तीनों कर्मचारी अपने अपने घर जाने लगे। रात करीब 2:20 पर जब वे कमल टी पॉइंट सराय रोहिल्ला फ्लाईओवर पर पहुंचे तो उनके पीछे से एक स्कूटी आई और उनके रास्ते को रोक दिया। स्कूटी सवार ने शुभम के साथी मनीष पर चाकू चला दिया और दूसरे साथी को धक्का दे दिया। इसके बाद तीनों बदमाशों ने उनसे 2 लाख रुपए का बैग लूट लिया। इस घटना के बाद सराय रोहिल्ला थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर एक टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कंपनी के ही कर्मचारी गौतम गुप्ता ने इस घटना की जानकारी जतिन नाम के एक अन्य कर्मचारी को दी थी। जतिन ने यह जानकारी रोहित नाम के एक व्यक्ति को दी, जिसने गौतम, गियान हाशमी और आकाश के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। पुलिस ने गौतम गुप्ता को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में जतिन का नाम बताया। इसके बाद जतिन और रोहित को भी गिरफ्तार किया गया। रोहित ने अपने साथी गौतम, गियान हाशमी और आकाश का नाम बताया, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 1,03,900 रुपए बरामद किए, साथ ही लूट में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से रोहित पर पहले भी मारपीट का मामला दर्ज है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस मामले की आगे की जाँच जारी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।